मैं आप लोगों के साथ आज रेड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के अंदर है मैकेनिकली एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पीएच एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंजाइम एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम और ऑस्मोटिकली एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फर्स्टली हम एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिकली एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इन दिस टाइप्स अ ड्रग रिजर्वियर इज इन सॉल्यूशन फॉर्म रिटेन्ड इन द कंटेनर इक्विप्ड विद मैकेनिकली एक्टिवेटेड पंपिंग सिस्टम। अ मेजर्ड डोज ऑफ द ड्रग्स फॉर्मुलेटेड इज रिप्रोड्यूसेबल डिलीवर इन टू अ बॉडी कैविटी। फॉर एग्जाम्पल द नोज थ्रू द स्प्रे हेड अपन द मैनुअल एक्टिवेशन ऑफ द ड्रग्स डिलीवरी पंपिंग सिस्टम। एग्जाम्पल इज गिवन मीटर डोज इनहेलर। क्या होता है इसमें दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास एक नेसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, नेसल का एक नेसल ड्रॉप का एक बोतल है, ठीक है। इसके अंदर एक ड्रग्स है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर एक ड्रग्स है, ठीक है, इसके अंदर ड्रग्स है, ठीक है। ये ड्रग्स को आपको एक्सपेल करना होगा, ठीक है। इस ड्रग्स को आपको एक्सपेल करना होगा तो क्या करेंगे आप? सबसे फर्स्ट में आप क्या करेंगे कि आप इसके साइड में से एक प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। ये प्रेशर को बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स, ओके। जब आप प्रेशर लगाएंगे तब क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है अंदर का वो बाहर आएगा और आप लगाएंगे, ठीक है, और ये ड्रग रिलीज होगा। इन दिस वे यू कैन अप्लाई द प्रेशर इन द ड्रग्स विल बी रिलीज फ्रॉम दिस नेसल ड्रॉप, ओके। दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकली एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एग्जाम्पल इज मीटर डोज इनहेलर। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिलीवर्ड इज कंट्रोलेबल एज स्मॉल एज 10 to 100 माइक्रोलीटर एंड इट्स इंडिपेंडेबल ऑफ द फोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिवेशन अप्लाइड एज वेल एज द सोल्यूशन वॉल्यूम इन ए कंटेनर, ओके। एक एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, एक मीटर डोज इनहेलर का एग्जाम्पल है। देखिए ऊपर है कैनिस्टर, आप जब प्रेशर और मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे कैनिस्टर पे, एक ड्रग्स अलोंग विद सस्पेंशन, ड्रग्स सस्पेंशन अलोंग विद प्रोपेलेंट है इधर, ये इट्स इन प्लास्टिक होल्डर एंड आफ्टर दिस व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर हियर दिस विल मूव टू दिस मीटरिंग बल्ब एंड दिस मीटरिंग बल्ब इज यूज्ड हियर इन पर्पज ऑफ दिस मीटरिंग बल्ब इज टू मेजर द डोज एक्यूरेट डोज ओके एंड इन दिस माउथ पीस यू विल पुट योर माउथ ओके एंड यू विल पुट योर माउथ इन दिस माउथ पीस एंड द ड्रग्स विल बी रिलीज व्हेन यू अप्लाई द मैकेनिकल फोर्स and after that PH activated drug delivery system. These types of the chemically activated system permit targeting the delivery of the drugs only in the region with a selected PH range. It is fabricated by coating the drug containing the core with a PH sensitive polymer combination. For instance, a gastric fluid liable drugs is protected by encapsulating it inside a polymer membrane that resists the degradative action of the gastric pH, such as the combination of ethyl cellulose and hydroxymethyl cellulose phthalate. A drugs is released by drugs dissolution in pore channel diffusion mechanism. Okay, इसमें क्या होता है? मैं आपको एक example देता हूँ, ठीक है? इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि आपको एक ड्रग्स लिया है, ठीक है, इस ड्रग्स को आपको आपके इंटेस्टाइन में रिलीज करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस ड्रग्स को बचाएंगे आप एसिडिक पीएच में, ठीक है। एक एसिडिक पीएच में आप कैसे बचाएंगे, क्योंकि ड्रग्स जैसे कि ड्रग्स अंदर है, ठीक है, इस अंदर ड्रग्स है, ठीक है, गैस्ट्रिक फ्लूड लाइबल ड्रग्स, लाइबल ड्रग्स मीन्स जब इसमें गैस्ट्रिक फ्लूड HCl जो HCl होता है जो एसिडिक पीएच का होता है जो इधर आएगा तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इसलिए बचाने के लिए आप पॉलीमर क्या लेयर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोस और सेलुलोस का पॉलीमर के लेयर से इसको कोटिंग कर देते। जब आप कोटिंग कर देते तो ये बच जाता है, स्टोमक पीएच से बच कर ये आता है इंटेस्टाइन में। जब अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होता है, ठीक है, अल्कलाइन पीएच में आने के बाद एक्टिव होने के बाद इसमें एक पोर फॉर्म होता है, पोर पोर है ना, इस पोर के अंदर से ड्रग्स रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ओके, इस तरह से। नेक्स्ट क्या है कि इसके बाद है एंजाइम एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दिस टाइप्स ऑफ द बायोकेमिकल सिस्टम डिपेंड ऑन द एंजाइमेटिक प्रोसेस टू एक्टिवेट द रिलीज ऑफ द ड्रग्स। ड्रग रिजर्वर इज आइदर फिजिकली इंट्रैप्ड इन द माइक्रोस्फीयर्स और केमिकली बॉन्डेड टू अ पॉलीमर चेन फ्रॉम बायोपॉलीमर्स एल्ब्यूमिन और पॉलीपेप्टाइड्स। द रिलीज ऑफ द ड्रग्स इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम हाइड्रोलाइसिस ऑफ बायोपॉलीमर दैट इज एल्ब्यूमिन और पॉलीपेप्टाइड्स बाय स्पेसिफिक एंजाइम इन अ टारगेट टिश्यू। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन माइक्रोस्फीयर रिलीज 5 फ्लोरोसिल्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर बाय प्रोटीएज एक्टिव बायोडिग्रेडेशन।
क्या होता है इधर दोस्तों कि आपका जो ड्रग्स है वहाँ वो एल्बुमिन जैसा कि एक प्रोटीन है, ये एनिमल प्रोटीन है जैसे कि एग में भी मिलता है, इसके ड्रग्स इसके माइक्रोस्फीयर में रिजर्वेयर जैसे बन के बैठता है। ठीक है, इधर ड्रग्स लिया है 5-फ्लोरोरिसिन जो थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है और कैंसर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इन ए कंट्रोल मैनर जब एक एंजाइम जो प्रोटीज नाम का एंजाइम हमारे बॉडी में जो इसका एक्टिवेशन होता है तभी ये ड्रग को रिलीज करता है। ठीक है, इसका रिलीज एंजाइम में डिपेंड होता है, एंजाइम के एक्टिवेशन में डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि फॉर द ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंटेन ए सोल्यूशन फॉर्मेशन इंटेंसिटी रेट ऑफ द ड्रग्स रिलीज इज डिफाइन। इसमें क्या होता है कि ऑस्मोटिकली रिलीज ड्रग्स कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, क्यू बाई टी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू ए एम स्मॉल ब्रैकेट ओपन पाई एस माइनस पाई स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय एच एम। सिमिलरली अगर ड्रग सोल्यूशन सॉलिड फॉर्मेशन होता है, सॉलिड फॉर्मेशन के फॉर्म में होता है तो क्यू बाई टी पी डब्ल्यू ए एम पाई एस माइनस पाई एस जी डिवाइड बाय एच एम होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, क्यू बाई टी का मीनिंग क्या है, क्यू बाई टी का मीनिंग होता है रेट ऑफ द ड्रग रिलीज, पी डब्ल्यू का मीनिंग होता है परमेबिलिटी ऑफ सेमी परमेबल हाउसिंग, एम का मीनिंग होता है इफेक्टिव एस ऑफ द सेमी परमेबल हाउसिंग होता है। ठीक है, एच एम का मीनिंग होता है थिकनेस ऑफ द सेमी परमेबल हाउसिंग, पाई एस माइनस पाई इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ओके ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद ऑस्मोटिक प्रेशर पी एस एंड एनवायरमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर पी। ठीक है, एस डी एक सोलिबिलिटी होता है। ठीक है, कंडिंग सोल्यूशन सोलिड फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑस्मोसिस का वो पता होना चाहिए। ठीक है, ऑस्मोसिस के लिए रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम जानने के लिए ऑस्मोसिस का आपको जानना होगा क्या होता है। ऑस्मोसिस आपके दिमाग में आए, आपको दिमाग में एक क्वेश्चन होगा ऑस्मोसिस क्या है। जैसे कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इधर इसका एक साइड में जैसे कि लेफ्ट साइड में ड्रग का कंसेंट्रेशन है, ड्रग का कंसेंट्रेशन है बहुत कम है। ठीक है, लो कंसेंट्रेशन है। ठीक है, जैसे कि एक दो तीन चार चार ही एक दो तीन चार पाँच पाँच है। ठीक है, पाँच लिक्विड मोलिक्यूल्स है। ठीक है, अच्छा ड्रग का सस्पेंशन है। ठीक है, और दूसरा साइड में क्या होता है कि बहुत है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस छब्बीस पच्चीस छब्बीस बहुत है, ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, इधर हाई है, इस साइड में हाई है। तो क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के हेल्प से ये क्या होता है कि लो कंसेंट्रेशन से थ्रू सेमी परमेबल में हायर कंसेंट्रेशन तक ड्रग मूव करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब कि रिलीज ऑफ द ड्रग्स किस किस में डिपेंड होता है, वाटर का परमेबिलिटी में, सर्फेस एरिया, ड्रग्स का सर्फेस एरिया कितना ज़्यादा, कम सर्फेस एरिया होता ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा मूव होगा, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का भी सर्फेस एरिया में डिपेंड होता है। ठीक है, बहुत छोटा हुआ तो अच्छे से मूव होगा, अगर ये ज़्यादा हुआ तो सेमी परमेबल में तो बहुत कम बहुत स्लोली मूव होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट में भी डिपेंड करता है। इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ द इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन इज ऑब्टेन इन ऑस्मोटिक सिस्टम। इन विवो मतलब अपन का बॉडी में, ठीक है, लोग का बॉडी में। ठीक है, इन विवो मतलब इन विट्रो मतलब क्या होता है कि बाहर बाहर एक्सपेरिमेंट वैसे ही जैसे बॉडी के कंडीशन है वैसे मेंटेन करते। ठीक है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सब कुछ हमारे बॉडी में क्या अंदर सेम फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट मेंटेन करके एक्सपेरिमेंट करते। ठीक है, जैसे कि उसमें से हम बाहर करके अंदर हमारे बॉडी में कैसा होता है उसको कोरिलेट करते, हम कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक की वजह से फॉर ओरल ऑस्मोटिक सिस्टम द ड्रग रिलीज इंडिपेंड ऑफ द गैस्ट्रिक पीएच एंड हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन। ओके, ओरल ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए हमारा ड्रग रिलीज पीएच और हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन में डिपेंड नहीं होता। ठीक है, ऑल्जेट ऑस्मोटिक पंप ऑल्जेट ऑस्मोटिक पंप ऑस्मोटिक मैकेनिज्म से वर्क करता है। ठीक है, इसका एलिमेंट क्या क्या होता है, नंबर में देखा है ड्रग सॉल्यूशन लिविंग थ्रू द डिलीवरी पोर्टल। नंबर बी में क्या होता है कि रिमूवल कैप, आप देख सकते हैं रिमूवल कैप इधर है। नंबर सी में क्या है कि इम्परमेबल रिजर्वर। नंबर डी में क्या है कि ऑस्मेटिक एजेंट है, ऑस्मेटिक एजेंट मतलब एनएससीएल। ठीक है, उसी ऑस्मेटिक एजेंट। नंबर ई में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नंबर एफ में है वाटर इंट्रैप इंटरिंग थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नंबर जी में रिजर्वर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।